और फिर डॉक्टर सोन का गला अपनी चाकू से धड़ से अलग करने वाला होता ही है तभी। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो पूरा दिवाली गिरा दिया। कौन है उन्हें लौंडा, ढेर फैलते हो हमारे आदमी के सामने, किडनी निकाले वाला निकाले ला तो हमर निकाल, दो ही दिन के तो जिंदगी बड़े। दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली के पड़ोस में एक नया पड़ोसी आया है। गुल्ली बुल्ली और सोन तो आज काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनके पड़ोसी तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और आज ये पड़ोसी गुल्ली बुल्ली के घर पे क्या करने आया है? चिन्नी मिलेगा, गुल्ली बोलता है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सोन बोलता है, मैं अभी चिन्नी लेकर आता हूँ। वो पड़ोसी चिन्नी वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन वो पड़ोसी एक पैक मारने के बाद तो अपरिचित बन जाता है। आंखें फोड़ा, मार के आंख काला कर देम। ओह नो, तोरो मारम, तोरो मार के लेदा फाड़ देम। आई एम बेवड़ा, मार के बना देते हैं केकड़ा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वो बेवड़ा गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ आता ही होता है तभी उसे एक गाड़ी वाला उड़ा देता है। गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों के चेहरे पर तो मुस्कान आ जाती है। गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों मन में सोचते हैं कि इंसानियत के नाते हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तीनों दौड़कर उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। सोन बोलता है, ठीक हुआ तेरे साथ, भगवान तुझे नरक नसीब दे। ओह नो, बुल्ली जाता है और उसकी सांसें चेक करने लगता है। बुल्ली बोलता है, इसकी सांसें चल रही है, हमें इसे किसी जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाना होगा नहीं तो ये मर जाएगा। सोन बोलता है, मर जाने दो इसे, ठीक हुआ इसके साथ, इसने हमें बहुत ज्यादा गाली बका है। गुल्ली बोलता है, नहीं सोन, हमें इंसानियत के वास्ते इस जानवर की मदद करनी चाहिए। सोन बोलता है, एक जानवर ही दूसरे जानवर को समझ सकता है। गुल्ली बोलता है, सोन जल्दी से जाओ और अपनी धनु को लेकर आओ। सोन दौड़ कर जाता है और अपनी धनु को लेकर आता है। सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस पियकवा को भी बैठा देते हैं। गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली गूगल मैप में देखो आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल है या नहीं। गुल्ली अपना मोबाइल निकालता है और अपने मोबाइल में आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल देखने लगता है। बुल्ली बोलता है, मुझे एक अच्छा हॉस्पिटल मिला है, जल्दी सीधे चलो, आगे से राइट ले लेना। सारे लोग थोड़ी देर में ही उस हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल तो काफी ज्यादा खंडहर और पुराना लग रहा है। सारे लोग उस बेवड़े को वहां से टांग के हॉस्पिटल के अंदर लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल तो काफी ज्यादा खाली है अंदर से, लगता है कि इसमें एक भी मरीज नहीं है। गुल्ली जोर जोर से डॉक्टर को आवाज लगाने लगता है। अरे कोई है? अरे भगवान से डरो। तभी एक कमरे के अंदर से एक डॉक्टर निकलता है। वो डॉक्टर तो काफी ज्यादा भयानक लग रहा है। वो डॉक्टर गुल्ली बुल्ली सोन के पास जाता है। डॉक्टर बोलता है, ये तो एक्सीडेंट का केस है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुन के गुल्ली उस डॉक्टर का कॉलर धर लेता है और बोलता है, अगर तुमने इसका इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। डॉक्टर बोलता है, ठीक है, मैं इसका ऐसा इलाज करूंगा कि तुम लोग जिंदगी भर तक याद रखोगे। डॉक्टर उस बेवड़ा को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है और गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों हॉस्पिटल के बाहर उसके इलाज होने का इंतजार कर रहे होते हैं। दो घंटे इंतजार करने के बाद वो डॉक्टर उस बेवड़ा को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आता है। डॉक्टर बोलता है, सॉरी, मैं मुकेश को बचा नहीं पाया। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला,
सब जानलेवा है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। गुल्ली बुली और सोन बिना हंगामा किए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गुल्ली बुली को रास्ते में एक पोल पर उस डॉक्टर का फोटो दिखता है। सारे लोग गाड़ी को रोक के वहाँ से उतर के उस डॉक्टर के फोटो को देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता है ये तो किडनी चोर है। बुल्ली बोलता है मुझे तो लगता है कि वो डॉक्टर उस बेवड़े को जानबूझकर मारा है और उसके अंदर से किडनी और दिल निकाल कर शायद बेच दिया होगा। सोन बोलता है तुम लोग सही बोल रहे हो गुल्ली बुल्ली, हमें चल के एक बार उस हॉस्पिटल में देखना चाहिए कि आखिरकार वो डॉक्टर उस बेवड़ा के डेड बॉडी के साथ क्या करने वाला है। बुल्ली बोलता है ठीक बोल रहे हो सोन, चलो हम लोग को एक बार जाकर देखना चाहिए। सारे लोग अपने जीप में बैठ जाते हैं और गाड़ी को मोड़कर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन वो तीनों उस हॉस्पिटल के पास थोड़ी देर में ही पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता है जरा ध्यान से तो देखो ये हॉस्पिटल कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। सोन बोलता तो देर किस बात की, चलो हम लोग को इस हॉस्पिटल के अंदर चलना चाहिए। सारे लोग उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। सारे लोग उस हॉस्पिटल के पास पहुंचने के बाद बुल्ली उस हॉस्पिटल का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन ये दरवाजा खुलने का तो नाम ही नहीं ले रहा। बुल्ली बोलता है लगता है ये हॉस्पिटल का दरवाजा अंदर से बंद है। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर से किसी की चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। गुल्ली बुल्ली और सोन तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बोलता है लगता है कि हमारा पड़ोसी अंदर से चीख रहा है। सोन बोलता है तो क्या कर सकते हैं गुल्ली, हम लोग दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। गुल्ली बोलता है हमें हॉस्पिटल के पीछे जाकर देखना चाहिए, शायद पीछे कोई दरवाजा हो। गुल्ली बोलता है तुम सही बोल रही हो बुल्ली, पीछे जरूर कोई दरवाजा होगा। सारे लोग हॉस्पिटल के पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने के बाद देखते हैं कि पीछे तो कोई दरवाजा है ही नहीं, लेकिन वहां पर एक खिड़की है जो कि खुला भी है। सोन बोलता है इस खिड़की से तो हम लोग सीधा डॉक्टर के कमरे में ही जाएंगे। बुल्ली बोलता है लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं इसके अंदर जाते ही वो डॉक्टर हम पर हमला ना कर दे। बुल्ली बोलता है हमारा बाहर रहना भी ठीक नहीं है, अगर उस डॉक्टर ने हमें बाहर देख लिया तो वो हमें मार डालेगा, इससे अच्छा है कि हम लोग बचते बचाते किसी तरह अंदर जाकर बेवड़ा को बचाकर ले आए। बुल्ली बोलता तुम ठीक बोल रही हो गुल्ली, हमें अंदर जाके बेवड़ा को बचाना चाहिए, नहीं तो अगर हम लोग ज्यादा देर यहाँ बाहर खड़े रहे तो वो डॉक्टर हमें देख लेगा। गुल्ली बोलता अगर तुम दोनों को ठूस ठास करनी है तो यहीं पे कर लो, क्योंकि अंदर जाने के बाद तुम लोग कोई भी आवाज मत करना। सारे लोग उस खिड़की से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि अंदर तो कोई भी नहीं है, कमरा तो पूरा खाली है। बुल्ली बोलता है मुझे लगता है कि वो सब दूसरे कमरे में है। सोन बोलता तो देर किस बात की, चलो हमें दूसरे कमरे में जाकर देखना चाहिए। सारे लोग उस कमरे में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखने के बाद उन सभी की रोंगटे खड़े हो जाती है। अंदर तो बहुत सारी डेड बॉडी लटकी हुई है। गुल्ली बोलता है लगता है कि ये पोस्टमार्टम रूम है, बेचारी ये सभी भी उस डॉक्टर के शिकार हो गए। सोन बोलता है मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा गुल्ली बुली, मुझे मरे हुए इंसानों से बहुत ज्यादा डर लगता है। गुल्ली बोलता है अंदर तो जाकर देखना ही पड़ेगा, कहीं इसके अंदर हमारा पड़ोसी तो नहीं। तभी पीछे से किसी के चलने और हंसने की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही गुल्ली बुल्ली उस मुर्दा घर के अंदर जाकर छिप जाते हैं, लेकिन सोन तो बेवकूफी कर देता है, सोन छिपने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली तो काफी ज्यादा डर गए हैं,
वो खूनी डॉक्टर चारों तरफ देखता है। बुल्ली डर के मारे बगल में पड़ा चाकू उठा लेता है। वो खूनी डॉक्टर का तो कुछ और ही इरादा होता है। वो खूनी डॉक्टर उसमें से पड़ा एक डेड बॉडी लेके वहाँ से चला जाता है। गुल्ली बोलता है चलो बला टली। बुल्ली बोलता है बला नहीं, अभी तो मैं उसका गला उड़ा देता। गुल्ली बोलता है बकवास बंद करो, अभी पहले जाकर सोन को ढूंढना है। ठीक है चलो, पता नहीं डर के मारे हमारा सोन बेटा कहाँ चला गया, चलो ढूंढते हैं उसे। गुल्ली बुल्ली उस कमरे से निकलकर सोन जिस कमरे में गया था उसी कमरे में जाकर सोन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन सोन तो यहाँ पर है ही नहीं। गुल्ली बोलता है मेरा सोन बेटा कहाँ चला गया, कहीं वो खूनी डॉक्टर उसे उठा के तो नहीं ले गया। गुल्ली बोलता है अगर उस खूनी डॉक्टर ने मेरे सोन बेटा को हाथ लगाया तो मैं उसके हाथों को काट दूंगा। बुल्ली बोलता है मेरे सोन बेटा को हाथ लगाने वाले का हाथ नहीं, काटते हैं उसका गला। बुल्ली के जोर से चिल्लाने के कारण एक बार फिर से वो खूनी डॉक्टर आने लगता है। इतना सुनते ही बुल्ली बोलता है मचाओ रे। गुल्ली बोलता है क्या हुआ बुल्ली, अभी तो तुम उसका गला काटने वाले थे। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा। तभी वो खूनी डॉक्टर दरवाजा को खोल देता है। अरे गुल्ली बुल्ली कहाँ चले गए। गुल्ली बुल्ली तो ऊपर छिपकली की तरह चिपके हुए हैं। गुल्ली बोलता है चल बे बाहुबली के बेटे, अब हम लोग सोन को खोजने के लिए चलते हैं। गुल्ली बुल्ली उस कमरे से बाहर आते हैं और सारी कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। तभी एक कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। तभी बुल्ली बोलता है ये तो सोन की गैस छोड़ने की आवाज है, चलो जहाँ से ये आवाज आ रही है वहाँ पर जाकर देखते हैं। गुल्ली बुल्ली उस कमरे के अंदर जैसे ही जाती है तभी बुल्ली के सर पर एक डंडा पड़ता है। बुल्ली वहीं पर गिर जाता है। अरे ये क्या, बुल्ली को डंडा मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सोन ही है। गुल्ली बोलता है ये क्या किया सोन तुमने, तुमने बुल्ली को मार के उसका माथा फाड़ दिया। सॉरी। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। मैंने तेरे को सॉरी बोला ना रे बाबा। गुल्ली बोलता है मेरे दिमाग में एक आइडिया है। गुल्ली बोलता है सोन जिस तरह तुमने बुल्ली का खोपड़ा तोड़ा उसी तरह तुम उस डॉक्टर का भी खोपड़ा तोड़ दो और उसका चड्डा फाड़ दो। सोन बोलता है लेकिन वो यहाँ पर आएगा कैसे। गुल्ली बोलता है मेरे पास एक प्लान है, पहले मेरा प्लान सुनो। भौंक। गुल्ली बोलता है उस डॉक्टर की बुलाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, वो जैसे ही अंदर आएगा तुम दोनों अंधाधुन मार चालू कर देना। बुल्ली बोलता है ठीक है, अपने अपने पोजीशन ले लो साथियों। बुलाओ गुल्ली तुम। गुल्ली जमीन में पड़ा हुआ लकड़ा का डब्बा उठा लेता है और उसे जमीन में जोर से पटकता है, जिसकी आवाज सुन के वो डॉक्टर एक और फिर से नीचे आ जाता है। वो किडनी चोर डॉक्टर उस दरवाजा को खोलता है लेकिन गुल्ली तो ठीक दरवाजा के सामने ही खड़ा है। जैसे ही वो डॉक्टर उस कमरे के अंदर आता है बुल्ली और सोन उस डॉक्टर पे अंधाधुंध मार चालू कर देते हैं। बुल्ली और सोन कितना मार के कारण डॉक्टर तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। गुल्ली बुल्ली और सोन सीढ़ी से ऊपर जाकर अपने पड़ोसी को खोजने लगते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली का पड़ोसी तो बेड पर लेटा हुआ है। गुल्ली बुल्ली और सोन वहाँ पर जाते हैं और बुल्ली उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है और सारे लोग उस कमरे से बाहर आने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर सामने आके खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, उस डॉक्टर के हाथ में तो एक मोटा सा डंडा भी है, लगता है कि उस डॉक्टर के इरादे नेक नहीं है। गुल्ली बोलता है हमें यहाँ से जाने दो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम लोग बाबा लंगोटीलाल गैंग के आदमी है, हमसे बड़ा से बड़ा सुरमा टकराने वाला को हम लोग चूरमा बना के खा गए हैं और पीछे वाले डिक्की से निकाल भी दिए हैं। सोन बोलता है मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। वो डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उन चारों को मार मार के भरता बना देता है। थोड़ी देर बाद बुल्ली का आंख खुलता है। उस किडनी स्टोन डॉक्टर के मार के कारण बुल्ली के सर में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे चक्कर भी आ रहा है। बुल्ली देखता है कि बगल में सोन लेटा हुआ है। बुल्ली सोन को जाकर उठाता है।
लेकिन गुल्ली और गुल्ली का पड़ोसी कहाँ चला गया? वो दोनों तो दिख ही नहीं रहे। सोन जैसे ही होश में आता है वो बुल्ली से बोलता है, ये हम लोग कहाँ आ गए बुल्ली, और गुल्ली और हमारा पड़ोसी कहाँ है? मेरा मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। गुल्ली बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग के बाबा लंगोटीलाल को बुला कर लेकर आते हैं, क्योंकि उस डॉक्टर से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उस डॉक्टर से लड़ने की ताकत हमारे बाबा लंगोटीलाल के पास ही है। बुल्ली बोलता है, चलो सोन। बिना किसी देरी के बुल्ली और सोन उस कमरे से निकल कर उस हॉस्पिटल के बाहर जाने लगते हैं। लेकिन वो दरवाजा खोलने का तो नाम ही नहीं ले रहा। तभी बुल्ली जोर से दरवाजा पे एक लात मारता है, जिसकी वजह से दरवाजा वहीं पर टूट जाता है। तभी बुल्ली और सोन वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते सोन का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। सोन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सोन की बातें सुन के बुल्ली वहां से दौड़ के बाबा को बुलाने के लिए चला जाता है। और इधर डॉक्टर सोन को घसीट के अपने हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला जाता है। बुल्ली अपनी जीप को लेकर सीधा बाबा के ठिकाने पे चला जाता है। रोड तो काफी ज्यादा सुनसान है, इसी बात का फायदा उठा के बुल्ली काफी ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा है। भाग धन्नो भाग, आज उन दोनों की जान तुम्हारे हाथों में, भाग धन्नो भाग। बुल्ली थोड़ी देर में बाबा के ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन बाबा तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। जिस बात का डर था वही हुआ, लगता है कि बाबा शिकार पर गए हैं। तभी पीछे से बाबा आवाज लगाते हैं। बुल्ली पीछे मुड़कर देखता है तो बाबा तो तालाब के अंदर बैठे हुए हैं। क्या हुआ ब्रो, क्या परेशानी है? बुल्ली बाबा को सारी बातें बता देता है। इतना सुनते ही बाबा और बुल्ली गाड़ी के पास चले जाते हैं, लेकिन बुल्ली तो बाबा के फुटानी से ही परेशान है। बाबा दौड़कर जाती है और गाड़ी के बोनट पर बैठ जाती है। आ रहा हूँ मैं, आक्रमण! रुक जाओ बुढ़ाओ, गाड़ी में चाबी तो लगाने दो। और इधर डॉक्टर उन तीनों को मुर्दा घर में लेकर चला जाता है। आज तुम तीनों की खैर नहीं है बेटा, बहुत बच लिया। और फिर डॉक्टर सोन का गला अपनी चाकू से धड़ से अलग करने वाला होता ही है, तभी क्या, बुल्ली ने तो पूरा दिवाली गिरा दिया। कौन उड़े लौंडा, ढेर फैलते हो हमारे आदमी के सामने, किडनी निकाले वाला, निकाले लो तो हमर निकाल, दो ही दिन के तो जिंदगी बड़े। डॉक्टर को तो बाबा की बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। डॉक्टर दौड़ कर जाता है और बाबा पे छलांग लगा देता है। बाबा अपनी बुढ़ारी का ताकत दिखाते हैं और उस डॉक्टर को पटक पटक के मारने लगते हैं, जिससे कि डॉक्टर का दोनों आंख काला हो जाता है। बाबा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना भी नहीं भूलते। बाबा हवा में हाथ घुमाते हैं, जिससे कि हाथ में एक त्रिशूल आ जाता है। बाबा उस त्रिशूल को फेंक कर मारते हैं, जिससे कि वो त्रिशूल सीधे उस डॉक्टर के आर पार हो जाता है और डॉक्टर वहीं पर मर जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।